हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और आज आपके लिए लाया हूं राग जोग की एक बढ़िया सी बंदिश जो कि एक ताल में है। राग जोग बहुत स्वीट, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा और बहुत आधुनिक राग है। प्राचीन ग्रंथों में इसका बहुत जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ये अभी कुछ 40-50-100 सालों में नया बनाया हुआ राग है। तो जोग राग की विशेषता क्या है ये मैं पहले आपको थोड़ी सी बता दूं, उसके बाद हम इसकी बंदिश के बारे में बात करेंगे। जोग राग ओडव ओडव जाति का राग है, यानी इसमें 5 ही स्वर लगते हैं। 2 स्वर वर्जित है और वो है रे और ध। तो रे और ध इस राग में बिल्कुल नहीं लगते हैं। सा ग म प नि सा, सा नि प म ग सा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट और भी है, यहाँ दोनों गंधार लगते हैं, यानी आरोह में शुद्ध ग और अवरोह में कोमल ग लगेगा। सा ग म ग म प नि प म ग म, कोमल में ग सा, सा ग म प ग म ग नि ग सा। जहां पे अवरोह है वहां पे कोमल गंधा लगता है। कुछ जगह पे शुद्ध निषाद का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कोमल निषाद वाला ही जोग राग गाते बजाते हैं। तो हम भी यहाँ पे कोमल निषाद और दोनों गंधार वाला जोग राग लेके आए हैं। इसका वादी और संवादी स्वर है म और सा। जोग राग का एक दोहा भी है, म वादी संवादी सा और खमाज को मेल, म वादी संवादी सा और खमाज को मेल, रात्रि दूसरे प्रहर में राग जोग से खेल। रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाने वाला ये राग है। इसकी प्रकृति गंभीर है और इस राग में दोनों गंधार साथ में भी लिए जा सकते हैं। ज़्यादातर रागों में जो दो स्वर है वो अगर कोमल और शुद्ध दोनों लिए जाते हैं तो आसपास में अगल बगल में नहीं लिए जाते हैं, लेकिन इस राग में दोनों गंधार आसपास में लिए जाते हैं। जैसे ललित में दोनों मध्यम आसपास में लिए जाते हैं, इसी तरह से इसमें दोनों गंधार जैसे सा नि प नि सा ग ग नि ग सा ग ग सा, शुद्ध ग और फिर तुरंत कोमल ग प नि सा ग इस तरह से दोनों गंधार आसपास में भी लिए जा सकते हैं। इसका आरोह कैसे बनता है देखिए, नी से शुरू करते हैं। नी सा ग म प नी सा, दोनों नी कोमल लिए हैं। नी सा ग म प नी सा, यहाँ ग शुद्ध ही लिया है। अब औरों में सा नी प म ग अवरोह में पहला जो ग है, ग के बाद म लिया है इसलिए शुद्ध है, फिर ग के बाद जो सा लिया है वो कोमल है। सा नि प म ग शुद्ध ग म ग सा, जब कोमल ग लेते हैं तो सा के कण से नीचे के कण से सा नि प म ग म सा ग सा, इस तरह से लेते हैं। इसकी पकड़ है ग म प नि प म ग म ग नि ग सा। ग म प नि प म ग म ग नि ग सा, तो ये इसकी पकड़ है। ये पूरे राग की बंदिश एक के बाद एक लाइन नोटेशन के साथ सीखने से पहले देख लेते हैं पूरी बंदिश बांसुरी पे बजाते हैं तो कैसी लगती है। हमने ये फ्लूट लिया है ए शार्प यानी काली 5 का, और ताल है एक ताल
जो कि 12 मात्रा का ताल है, उसके बोल है धिन धिन धागे तिरिकट तुम न कता धागे तिरिकट धिन न धिन। तो ये 12 मात्रा का एक ताल है, स्पीड में भी बजाए तो ये ताल अच्छा लगता है। धिन धिन धागे तिरिकट तुम न कता धागे तिरिकट धिन न धिन धिन धागे तिरिकट तुम न कता धागे तिरिकट धिन न धिन। तो ये एक ताल है। अभी हमने इसका स्पीड लिया है 160 BPM की स्पीड पे हमने पहले बजाया है, और उसके बाद हमने बजाया है 200 BPM की स्पीड पे। तो देखते हैं पहले फ्लूट पे, फिर इसकी इसके शब्द भी गाते हैं और इसके नोटेशन भी गाते हैं, फिर मैं इसकी एक एक लाइन आपको नोटेशन के साथ समझाता हूँ। इसी बंदिश को शब्दों में और स्वर में ताल के साथ गा लेते हैं। Thank you.
समझते हैं कैसे इसको गाया बजाया जाता है। यह शिव की स्तुति है। जो लोग शिव भक्त है, शिव मंदिर में जाते हैं, अभी श्रावण मास आने वाला है, तो श्रावण के मास में अगर आप शिव के मंदिर में ये स्तुति गाएंगे जोग राग में, बहुत अच्छी लगेगी। भस्म भूखन अंग नसीमा, यानी जिसके अंग पर भस्म का आभूषण है, भस्म आभूषण अंग नसीमा। भस्म भूखन अंग नसीमा, भस्म जिसका आभूषण है वैसे श्री शिव। भस्म भूखन अंग नसीमा, इसकी नोटेशन है स ग म प ग म ग स नि ग सा। भस्म भूखन स ग म प ग म अंग नसीमा, ये ग कोमल है, ग स नि ग सा अंग नसीमा। दूसरी लाइन गले सोह तरुंड माल, गले में मुंडन की माला सोहती सोहाती है, तो गले सोह तरुंड माल। ग म प सा सा नी प ग म ग सा, सा सा नी प ग म ग सा, गले सोह तरुंड माल। कृपक सेवक जनक दृष्टि सा ग म प ग म प नी प सा सा, कृपक सेवक जनक दृष्टि। कृपक सेवक जनक दृष्टि, अतः जग राखो हमेशा। इस तरह हमेशा हमारे ऊपर आपकी जनक दृष्टि बनाए रखी, अतः जग राखो हमेशा। सा ग म ग सा नी प ग म ग सा, सा ग म ग सा नी प ग म ग सा। अतः जग राखो हमेशा, सा ग म ग सा नी प ग म ग सा। भस्म भूखन अंग नसीमा, सा ग म प ग म ग स नि ग सा। भस्म भूखन अंग नसीमा, सा ग म प ग म ग स नि ग सा। अब इसका अंतरा देख लेते हैं।
मुकुट शेष जटा गंग, शीश पर जटा का मुकुट और जटा में गंग है, गंगा गंगा की धारा बहती है। मुकुट शीश जटा गंग, गम पसासा निपली गसा, गम पसासा निपली गसा, मुकुट शीश जटा गंग, गले हार नाग अमर, गले नाग हार अमर। गले में नाग है और अमर क्या है, अमर ये लिखने वाले का तखल्लुस है, लिखने वाले हैं उस्ताद अमन अली खान साहब, भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान साहब का उपनाम था अमर, तो वो लिखते हैं गले हार नाग अमर, गले नाग हार अमर, सा ग म ग सा नि प ग म ग सा। गले नाग हार अमर, सा ग म ग सा नि प ग म ग, गले हार नाग अमर, सा ग म ग सा नि प ग म ग, पनी सा म पनी ग म ग सा, बृख बवाहन भूतनाथ, पनि सा म पनि ग म ग सा, बृख बवाहन भूतनाथ। अंतिम लाइन, विश्वंभर शिव महेश, विश्वं सा सा नि प ग म म ग सा, ग म म ग सा, विश्वंभर शिव महेश, विश्वंभर शिव महेश, वसम भुखन अंगन शिव, सा ग म प ग म ग सा नि ग सा, वसम भुखन वसम भुखन वसम भुखन अंगन शिव, सा ग म प ग म ग सा नि ग सा, सा ग म प ग म, सा ग म प ग म, सा ग म प ग म ग सा नि ग सा। तो ये था राग जोग, और राग जोग की ये बहुत बढ़िया सी प्यारी सी बंदिश है ताल एक ताल में। भस्म जिसका आभूषण है वैसे श्री शिव, इसकी एक स्तुति है, बहुत अच्छी है, आप
तैयार करके मंदिर में भी गाएंगे तो भी अच्छी लगेगी, क्लासिकल में भी आप गाएंगे, कहीं बजाएंगे तो भी अच्छी लगेगी। आप इसको अवश्य सीखना, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ये चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ये वीडियो का जो ट्यूटोरियल है उसकी लिंक भी आप अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिएगा। आपको और भी इस तरह के अच्छे अच्छे क्लासिकल ट्यूटोरियल्स मेरी ओर से मिलते रहेंगे। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत अच्छे कमेंट्स देके मेरी इस कार्यवाही को, इस कामगिरी को आपने बहुत बिरदाया है, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।